हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के महानायक बांके चमार की। लेकिन दोस्तों, हम बांके चमार की कहानी को शुरू करें उससे पहले हमको एक बात याद आ गई है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे और लाइब्रेरी में एंट्री कर रहे थे, उससे पहले लाइब्रेरी के गेट पर लिखा हुआ था कि इंसान पैदा होता है और एक दिन मर जाता है। दूसरी लाइन लिखी हुई थी, लेकिन वह इंसान देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करता है तो वह कभी नहीं मरता है। बाबा साहब अंबेडकर ने यह लाइन पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी लाइन को काट दिया और काट करके वहां से चले गए। कॉलेज में हंगामा मच गया कि यह क्या हो गया और किसने दूसरी लाइन को काटा है, किसने इतनी बड़ी छेड़खानी कर दी इस स्लोगन के साथ। पूछा गया कि आखिर यह हरकत किसने की है। तब बाबा साहब अंबेडकर सामने आए और आकर के उन्होंने कहा, यह कार्य मेरा है और इसे मैंने किया है। बाबा साहब अंबेडकर की बात सुनकर के सभी प्रोफेसर हैरान हो गए और पूछने लगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यह जो लिखा गया है, यह बिल्कुल गलत लिखा गया है। तब सभी प्रोफेसरों ने कहा कि सिद्ध कीजिए कि यह गलत कैसे है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पहली लाइन में यह लिखा है कि इंसान पैदा होता है और एक दिन मर जाता है, यह सत्य है। लेकिन आपने दूसरी लाइन में लिखा है कि कोई इंसान पैदा होता है और देश और समाज के लिए कार्य करता है, वह हमेशा अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता, यह बिल्कुल गलत है। वह इंसान भी मर जाता है। अगर उसके इतिहास को खत्म कर दिया जाए, उसके इतिहास को मिटा दिया जाए, तो वह इंसान कितना भी अच्छा कार्य किया हो, वह हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन अगर इंसान बुरा कार्य भी किया है और उसका इतिहास अगर अच्छे तरीके से लिख दिया जाए, तो वह इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए दूसरी लाइन गलत थी और मैंने काट दिया। बाबा साहब का तर्क सही था, इसलिए लोगों ने तालियां बजाई। और दोस्तों, आज यही हो रहा है भारत में। बांके चमार, माता दीन वाल्मीकि, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके इतिहास को मिटा दिया गया। क्यों मिटाया गया? जाति के कारण। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को मैं 1857 के जो हीरो थे, जो बहुजन नायक थे, उनकी कहानी आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं और आप लोगों को जानने के बाद गर्व होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम मनुवादी सरकार और मनुवादी लोग सभी बहुजनों का इतिहास मिटाने पे तुली हुई है। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि बहुजनों के इतिहास को घर घर तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मंगल पांडे को। मंगल पांडे एक जातिवादी थे, वह क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ये सत्य है। लेकिन वह एक जातिवादी थे। जातिवादी मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, आप लोग जानते होंगे माता दीन वाल्मीकि को। दोस्तों, माता दीन वाल्मीकि सेना में काम करते थे और मंगल पांडे भी सेना में काम करते थे। दोनों लोगों की वहां पे दोस्ती हुई, दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही पता चला मंगल पांडे को कि माता दीन वाल्मीकि दलित समाज से आते हैं, तो उन्होंने उनसे दूरियां बना ली। और माता दीन वाल्मीकि पहलवानी करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई गुरु नहीं मिलता था, क्योंकि गुरु सभी सवर्ण समाज के थे, गुरु नहीं मिलता था जिसे पहलवानी सीख नहीं पाते थे। तो सेना में ही एक मुसलमान व्यक्ति थे, वह पहलवानी के गुण जानते थे, वह माता दीन वाल्मीकि को पहलवानी के गुण सिखाए। एक दिन अचानक माता दीन वाल्मीकि को प्यास लगती है और वह मंगल पांडे से पानी मांग लेते हैं कि मुझे अपने लोटे में पानी दे दीजिए। तब मंगल पांडे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, तुम दलित समाज से हो, तुम अछूत हो, और मेरा लोटा को तुम छू दोगे तो मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। इस पर माता दीन वाल्मीकि बहुत ही गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे छूने से आपका लोटा अपवित्र हो जाएगा, और जो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ एक कारतूस है जिसको आप मुंह से खींचते हैं, तो उससे आप अपवित्र नहीं होते हैं। यह बात सुनकर के मंगल पांडे को बहुत बड़ा धक्का लगा और पूरी हिंदू सेना को धक्का लगा। तब माता दीन वाल्मीकि ने कहा कि यहाँ पे कोई दलित नहीं है, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग हिंदू हैं। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद मंगल पांडे को आक्रोश पैदा होता है
और एक दिन वह सेना के एक अधिकारी को मार देते हैं जिसके बदले में उनको फांसी दी गई थी। तो यह इतिहास तो हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? माता दिन वाल्मीकि से हुई थी। और अंग्रेज इतने बेवकूफ तो है नहीं, जब उन्होंने इस केस की पूरी जांच की थी तो माता दिन वाल्मीकि को भी पाया और माता दिन वाल्मीकि को भी फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से एक स्वतंत्रता सेनानी माता दिन वाल्मीकि फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन उनके इतिहास को बिल्कुल पूरे तरीके से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया, जैसे कि पेपर की कमी थी। तो दोस्तों अगली कहानी शुरू होती है बांके चमार की, जिस कहानी को लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों बांके चमार का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मछली शहर तहसील के कुंवरपुर गांव में हुआ था, और वहां के जो स्वतंत्रता सेनानियों के लीडर थे उनका नाम था हरपाल सिंह। हरपाल सिंह की अगुवाई में बांके चमार स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत ही क्रांतिकारी थे और वह इतने तेज तराक थे कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिए थे। दोस्तों वह अंग्रेजों के दर्जनों सिपाहियों की हत्या कर चुके थे, इससे अंग्रेज सिपाही बहुत परेशान थे। और दोस्तों बांके चमार पर अंग्रेजों ने उस समय 50,000 रुपए का इनाम रखा था कि जिंदा या मुर्दा दोनों अवस्था में कोई भी बांके चमार को पकड़ कर लाता है तो उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा। दोस्तों वह समय यह था कि एक आने दो आने की इतनी कीमत थी कि एक आने दो आने में लोगों को महीने भर का राशन मिल जाता था, और उस जमाने में 50,000 रुपया बहुत बड़ी राशि थी, जो कि सबसे उच्च राशि थी। और दोस्तों साथ ही आपको ये बता दें कि वह 50,000 रुपये का मूल्यांकन अगर आज के वैल्यू में किया जाए तो 5 करोड़ रुपया होगा। तो उस जमाने में 50,000 रुपया इनाम रखा गया था। और दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद 18 लोगों को बागी घोषित किया गया था, जिसमें मुख्य नाम था बांके चमार का। बांके चमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार भी कैसे किया गया था कि उनके ही साथियों ने जासूसी कर दी थी। वह साथी कौन थे? जो आज के सामंती और मनवादी है ना, वही उनके उस समय साथी थे, और उन्होंने जासूसी कर दी थी जिससे बांके चमार पकड़े गए थे। और कुछ दिनों बाद बांके चमार को फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन इतिहास के पन्नों से बांके चमार का नाम बिल्कुल गायब कर दिया गया। लेकिन साथियों हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शहीद बांके चमार को वीडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना। तो दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बांके चमार, बीरा पासी, माता दिन वाल्मीकि, तमाम जो बहुजन समाज, एससी एसटी समाज के, ओबीसी समाज के जो भी शहीद थे, वह लोगों को घर घर तक जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।